साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच कर रही सीबीआई अब एक्शन में आ गई है। मंगलवार को सीबीआई अधिकारियों ने रूपा तिर्की के आवास के पड़ोस में रहने वाले जमादार प्रदीप पासवान और उनकी पत्नी से लंबी पूछताछ की है। सीबीआई की माने तो सीबीआई ने आधा दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। अधिकतर वैसे लोग हैं जो पूर्व में पुलिस को बयान दे चुके हैं। सीबीआई टीम को एक व्यक्ति से पूछताछ में 3 से 4 घंटे तक लग रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड और यूपी के HRHM घोटाला की जांच करने वाले इंस्पेक्टर GK अंशु सीबीआई जांच दल में शामिल हैं। सीबीआई जांच दल को उम्मीद है कि रूपा की मौत के मामले का आसानी से खुलासा हो जाएगा। जांच के दौरान कोई नया नाम आने पर उससे भी पूछताछ होगी। जांच लंबी चल सकती है, इसलिए सीबीआई जांच दल ने कंट्रोल रूम के बगल में स्थित पुराने परिसदन के ऊपरी तल की साफ सफाई करना शुरू करा दिया है। वही कार्यालय भी बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।